जयपीडी माता की प्रभु जनता जनार्दन, हमारे सभी जो कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता यहां पर एकत्रित हुए हैं पीडी माता के प्रांगण में, और जैसा मुझसे पूर्व विनोद जी ने कहा, चौहान साहब ने कहा, बहन ललिता जी ने कहा, चुनाव का समय है, चुनाव की बेला है। और अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, कोटखाई जुब्बल नावर की बात करें, इस क्षेत्र का कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत पुराना संबंध है। हमारे दो दो मुख्यमंत्री का कर्म भूमि ये क्षेत्र रही, और आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी जब विधायक के रूप में कार्य करने का मौका मिला, मैंने भी अपने क्षेत्र में विकास में जो योगदान दे पाया हूं वो आप सभी के सामने है। अगर मैं यही पीढ़ी माता की बात करूंगा, क्योंकि इससे पहले मैं तुलना कर रहा था, क्योंकि जो चुनाव का समय होता वो तुलना का समय होता है। मैंने प्रारी पंचायत में एक उदाहरण दिया था कि कांग्रेस कार्यकाल के 5 वर्षों के दौरान हमारी 4 सड़कों की पासिंग, आपकी डीम, ओड़ी, डकैड और आपकी जो मढ़ाइक से पीछे गार्डनों की तरफ सड़क जाती, 4 सड़कों की पासिंग हमारी प्रारी पंचायत में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई, जहां 5 वर्षों में पूरे जुब्बल नावर कोटखाई में 80 सड़कों की पासिंग हुई थी, 4 आपकी प्राणी में हुई। अगर आप यही हमारी जयपीढ़ी माता पंचायत, जो हमारी तहसील मुख्यालय की पंचायत भी है, मैं अपनी मातृशक्ति को भी नमन करता हूं। अगर हम यही की बात करें, चाहे वो हमारी सुनली की बात हो, चाहे हमारी क्यारी सड़क की बात हो, रामपुरी सड़क की बात हो, पुराना जुब्बल की सड़क की बात हो, सभी, और आने वाले समय में चुंटाड़ा की बात मैंने पीछे की थी, निश्चित रूप से जो प्राथमिकताएं हमारे क्षेत्र में मिली है सड़क निर्माण को, वो डॉक्टर परमार जो हमारे हिमाचल निर्माता रहे, जिनका स्मरण चौहान साहब ने किया था कि अगर डॉक्टर परमार ना होते तो शायद जो आज ये विकास और उन्नति के रूप में हिमाचल प्रदेश को एक मॉडल, एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाता है, वो संभव ना होता। एक वो हिमाचल था 1947 में, जो मैं समझता हूँ अपनी गरीबी, अपने मैं समझता हूँ दुर्गम क्षेत्र होने के कारण अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था। हमारे हर व्यक्ति की जो औसतन आमदन प्रति वर्ष थी वो मात्र 200 रुपए के आसपास थी। आज मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा जुब्बल नावर कोटखाई की, हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं जो पूरे एशिया में, जहां की हर व्यक्ति की औसतन आमदन पर कैपिटल इनकम जिसको कहते हैं वो सर्वाधिक है। आज ऐसा इन 60-70 साल में प्रगति हुई, क्रांति आई। आज अगर हम शिक्षण संस्थानों की बात करेंगे, मात्र 200 शिक्षण संस्थान थे, आज जुब्बल नावर कोटखाई में ही 400 से ऊपर आपके सरकारी शिक्षण संस्थान है। सड़कों के निर्माण की बात करें, जिन्हें डॉक्टर परमार ठाकुर रामलाल जी ने, राजा वीरभद्र सिंह जी ने जीवन रेखा और भाग्य रेखा की श्रेणी में लाया था, जहां ठाकुर साहब के निधन के समय में हमारी जो डेंसिटी ऑफ रोड, जिसको सड़कों का घनत्व कहते हैं, 160 किलोमीटर प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर थी, 2017 में जो हमारा अंतिम वर्ष था वो 221 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर बनके तैयार हुई, जो पूरे हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। आज चाहे हमारे क्वालटा धानसर की बात हो, जो हमारा दुर्गम क्षेत्र है खनाशनी में, चाहे ग्राहक पंचायत के बड़वी की बात हो, जौनी टीर की बात हो, कुड़ी मौली की बात हो, कुठारी क्लीवन की बात हो, जितने भी हमारे दुर्गम क्षेत्र थे, हर क्षेत्र को सड़कों से जोड़ा गया। और सबसे बड़ी मैं समझता जो उपलब्धि रही वो ठो खड़ा पत्र हाटकोटी रोड के कार्य को फिर से मुख्य धारा में लाने का था। आज मैं देखता हूं चाहे वो कोटखाई की बात हो, जगह जगह आपके होटल बन चुके हैं, कई तरह के व्यवसाय आपकी जगह जगह ये बिल्डिंग्स बन चुकी है। जैसे मैंने अपने संकल्प पत्र में भी कहा और पिछले धर्मानी जी भी कह रहे थे कि आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पर्यटन की दृष्टि से भी अपने क्षेत्र को विकसित किया जा सके। आज चांशल एक विकल्प हो सकता रोहतांग का, कुप्पड़, जैसे हमारे दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान जब वो मुख्यमंत्री थे स्कीम के रूप में एक प्रोजेक्ट इस क्षेत्र का तैयार किया था। मेरा प्रयास रहेगा हमें सफलता मिलेगी हमारे अपने क्षेत्र को, चाहे कुप्पड़ की बात हो, चाहे उदेवरी घाट की बात हो, चाहे हमारे मैं समझता हूँ बागी रतनाड़ी की बात हो, कि अपने क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सके। आज हमारे कई मित्र लोग विजन की बातें करते हैं, ये विजन तभी संभव हो जब सड़कों का निर्माण हुआ। सेब उद्योग पूरे हिमाचल प्रदेश का
30% के आसपास इसका उत्पादन हमारे जुबन और कोटखाई में होता है, वो तब संभव है कि जब हमारे हर गांव कस्बे सड़क सुविधा से जुड़े हैं। मैंने इन दो पंचायतों के उदाहरण आपके समक्ष रखे, जहां हमारी इसी जयपीढ़ी माता पंचायत में 4-5 सड़कों का निर्माण कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ। इनसे इन सड़कों की सफाई नहीं हो रही है, मुरम्मत नहीं हो रही है। उदाहरण के तौर पे हमारा जो ऐतिहासिक गांव पुराना जुब्बल है, इसकी सड़क की दुर्दशा आप देख लीजिए। होता यह है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया, अगर 17 में हमने सड़क निर्माण की थी तो इनको आगे उसको ले जाने का प्रयास करना चाहिए था। इनके समय में तो जो चला हुआ हमारा ठियो खड़ा पत्थर जो मुख्य हमारी सड़क थी, जिसका मात्र 8% काम रहा था, और जब विपक्ष में थे पदयात्रा की, जब जनता जनार्दन ने आपको सत्ता की चाबी सौंपी, आपने काम रोका। ये काम रोकने में विश्वास रखते हैं। खड़ा पत्थर में मैंने सीएस टूर प्रपोज किया था, आनंद शर्मा जी वो भी चुनाव प्रचार में शीघ्र आएंगे, उनके आशीर्वाद से जहां हिमाचल प्रदेश को एपिडा, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधीन ये विभाग था, धर्मानी जी ने अपने क्षेत्र के लिए एपिडा के माध्यम से पैसा स्वीकृत करवाया था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, 7 सीए स्टोर जो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुए थे, 7 में से 3 सीए स्टोर आपके खड़ा पत्थर, आपका अणु जहां मंडी का निर्माण हुआ है, और तीसरा बागी में जो हमारे अपने जुब्बल नावर कोट है, कि मैं समझता हूं केंद्र बिंदु तीनों स्थल है, वहां के लिए 8-8 करोड़ की राशि एपिडा के माध्यम से स्वीकृत करवाई थी। जब से डबल इंजन की सरकार आई, पहले यूपीए की सरकार थी, प्रगतिशील सरकार थी, जब से ये जुमलों वाली सरकार आई, इन्होंने ये एपिडा का प्रोजेक्ट निरस्त किया। आने वाले समय में जैसे मैंने अपने अपने विजन डॉक्यूमेंट में संकल्प पत्र में बात रखी है, पर्यटन को हमारी प्राथमिकता होगी, साथ ही साथ मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो ये 3 सीए स्टोर है, इसको फिर से इसकी स्वीकृति दिलवाई जाए, क्योंकि इसकी सारी औपचारिकताएं पूर्ण है। खड़ा पत्थर में तो हमारा, मैं समझता हूँ, कृषि विभाग की जमीन थी और आपकी ट्रांसफर भी हो चुकी थी, एमओयू भी साइन हो चुका था, और जब उसमें तर्क दिया गया कि किस कारण से आपने ये एमओयू आपका निरस्त हुआ, तर्क दिया कि हमारे पास बजट का अभाव है, तो उस वक्त तो बड़े बड़े नारे दिया करते थे कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, आज हिमाचल प्रदेश में कोई 70,000 करोड़ से ऊपर का ऋण है। जितने भी लोग हम इस पंडाल के अंदर या बाहर है, हर व्यक्ति पर 70,000 का ऋण प्रति व्यक्ति आज वर्तमान में है। किसी भी तरीके से मदद गत 6-7 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की नहीं हुई, और हमारे साथ अगर चलो इन 2-3 महीनों को अगर हम छोड़े, जो घोषणाओं का समय था, जो उपचुनाव की जब सुगबघाट प्रारंभ हुई तो घोषणाओं का दौर प्रारंभ हुआ, हम तो स्वागत करते, चलो इस उपचुनाव के माध्यम से हमारे क्षेत्र में कोई विकास की बात होती हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जुब्बल नावर कोटखाई का मतदाता अपनी रांतिक परिपक्वता के लिए, सूझबूझ के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है, और यही कारण है कि ये एकमात्र विधानसभा क्षेत्र जहां से 2-2 मुख्यमंत्री रहे। आज जो हम निर्णय लेंगे, वो 6-8 महीने की सरकार को देखते हुए नहीं लेंगे, हम निर्णय लेंगे आने वाले भविष्य को देखते हुए निर्णय लेंगे। आप सबके आशीर्वाद से 2 दशकों से यहां की जनता जनार्दन से जुड़े हैं, सत्ता में रही जनता की सेवा की, विपक्ष में रहे तब भी, जैसे चौहान साहब ने कहा, हमने नीति लाई थी कि कम से कम 5 बीघे तक जो हमारे लघु और सीमांत किसान हैं, उनको उनके अवैध कब्जों को नियमित किया जाए। इन्होंने तो लगभग कोई 1,67,000 फाइलें पहले बनवाई 2002 में, क्योंकि उस वक्त चुनाव आ रहे थे, राजन सुशांत जी उस वक्त राजस्व मंत्री थे। 2008 में जब सत्ता में आए, लोगों को आशा थी कि चलो उन फाइलों का भी कुछ होगा, हुआ ये कि उन पर FIRें शुरू कर दी, और अगले कार्यक्रम में जयराम जी की सरकार के कार्यकाल के दौरान तो पेड़ों का कटान हुआ, और पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां 1.5 लाख के आसपास पेड़ कटे हैं, उसमें से सर्वाधिक आपके जुब्बल नावर कोटखाई में लगभग कोई 1 लाख से ऊपर आपके सेबों के पेड़ काटे गए। ये बनते बागवानों के हितेशी, और तो और जो फफूंद नाशक, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड पे हमारे को दवाइयां मिला करती थी, वो भी वर्तमान सरकार ने बंद कर दी। मुख्यमंत्री जी खड़ा पत्थर में जुलाई के महीने में आते, जब स्प्रे का सीजन खत्म हो जाता कि हम इस निर्णय का पुनर्विचार करेंगे। ये सारे इनके जो निर्णय है, ये चुनाव तक सीमित रहते हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान चाहे सड़कों की बात हो, शिक्षण संस्थानों की बात हो, स्वास्थ्य संस्थानों की बात हो, किसी भी तरीके से हमारे क्षेत्र में, मैं समझता हूं, घोर निराशा मिली। अगर आप केंद्र सरकार की बात करेंगे, वो भी आपके सामने कई उदाहरण हैं।
मैं तो हर जगह मोदी जी के उस भाषण का स्मरण करवाता हूं जो उन्होंने रिज पे दिया था, ऐतिहासिक रिज पे दिया था, कि मेरा सपना तब तक अधूरा रहेगा जब तक हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में नहीं बैठता। हवाई चप्पल वाले की बेचारे की चप्पलें भी चलेगी, लेकिन जो हवाई जहाज था वो भी उन्होंने टाटा को बेच दिया है। और साथ ही साथ ये कहते कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। एक वो भारत था जहां पर सुई तक का उत्पादन नहीं होता था, और आज हवाई जहाज जो पूरा मैं समझता हूं एयर इंडिया टॉप एयरलाइंस में गिनी जाती थी वो भी इन्होंने बेच दी। ये जो वर्तमान की सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है। मैं पीछे एक अध्ययन पढ़ रहा था जिस अध्ययन के अनुसार आपकी पूरे भारतवर्ष की 97% के आसपास की जो हमारी जनसंख्या, जिसमें हम सब शामिल है क्योंकि हम सब किसान बागवान है, 97% जनसंख्या की आय में गिरावट हुई। सिर्फ 3% के आसपास जो आपकी मैं समझता हूं अदानी अंबानी जैसे लोग हैं, कॉरपोरेट लोग हैं, उनकी आय में बढ़ोतरी हुई। पिछले 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी दर का इनके कार्यकाल के दौरान टूटा। हिमाचल प्रदेश में तो बाहर के लोग को तरजीह दी जा रही है जिनकी खास एक विचारधारा के साथ मैं समझता हूं उनका संबंध है। अभी आपने हाल में देखा होगा जो जेई की पोस्टें बिजली विभाग में निकली थी उसमें यूपी बिहार के लोग रखे गए। हमारे लोग कहां जाएंगे, हमारे नौजवान कहां जाएंगे? इससे पहले भी आपको याद होगा सचिवालय में जो पोस्टें निकली थी क्लास 3 क्लास 4 पोस्टों की, उसमें भी अधिकतर बाहर के लोग को रखा गया। एक वो कांग्रेस की सरकार थी जब स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के प्रयास किए गए थे। मुझे याद है अपने प्रथम जो मेरा कार्यकाल था आप सबके आशीर्वाद से 27 साल की उम्र में विधायक बना, उस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक जो पीटीए टीचर्स रखे गए थे वो जुबल कोटखाई में 385 टीचर रखे गए थे। अगर आप तुलना करेंगे रोड़ू सक रोड़ू हमारा रासाब का तो चुनाव क्षेत्र था, विभाग उनके पास था शिक्षा का, वहां 220 थे, यहां पर 385 के आसपास रखे गए। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली विधायक के रूप में मिली वो आपके सामने जो तो थोड़ा बहुत मैं समझता हूं मैं कर पाया अपने क्षेत्र के लिए वो जनता जनार्दन के समक्ष है। फिर ये तुलना करते कि आप बागवानी के दृष्टिकोण में आपने कुछ नहीं किया, जब जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये भी अगर अवसर प्राप्त होगा तो मैं कोई कमी छोड़ूंगा बागवानी के दृष्टिकोण से। अगर मैंने कोल्ड स्टोर की बात करूंगा, जितने भी हमारे कोल्ड स्टोर हमारे क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं ये डॉक्टर परमार और ठाकुर रामलाल जी के समय के हैं। मैं सरकारी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, 10 वर्ष तो हमारे भी हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर रहे। सरकारी क्षेत्र में एक भी कोल्ड स्टोर, जितने भी आपकी चाहे वो गुमा की बात हो, ठाकुर साहब के समय का कोल्ड स्टोर है, रोड़ू का कोल्ड स्टोर, आपका ओडी का जरूर टिकर का कोल्ड स्टोर, ये सब के सब जो ये एचपीएमसी के माध्यम से सारे मैं समझता हूँ आधारभूत ढांचा स्थापित किया गया था ये कांग्रेस कार्यकाल के दौरान का है। चलो माना आपने खड़ा पत्थर की मंडी बनी आपके कार्यकाल के दौरान, तो हमने अणु में बनाई, तो इन बातों का भी हमने मनन करना है। ये बात करते प्रोसेसिंग प्लांट प्राड़ा की, तो 1134 करोड़ का जो हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट था उसके माध्यम से उसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी, और इसका तो स्वयं महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने उत्तर दिया विधानसभा के अंदर। आज हमने इन सब बातों का मनन करना है और आने वाले समय के लिए जैसे मैंने पहले कहा अपने क्षेत्र का नेतृत्व, अपने जिला शिमला का नेतृत्व मजबूत रखना है। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से यह आग्रह करूंगा कि घर घर जाए, आपने अपने क्षेत्र की मैं समझता हूं निस्वार्थ एक समर्पण के भावना से सेवा की है। अगर हम जुब्बल तहसील मुख्यालय की बात करेंगे यहां पर ही आप देखेंगे मुख्य सड़क का जो हमारी मैं समझता हूं संतोषी नगर तक जाती है कांग्रेस कार्यकाल की उपलब्धि है। आपके डिवीजन की बिल्डिंग बिजली बोर्ड की एक कांग्रेस कार्यकाल की उपलब्धि है। साइंस ब्लॉक यहां पर बना ये कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की उपलब्धि है। कल्याण भवन, वेटनरी हॉस्पिटल, ऐसे अनेकों कोटखाई टिक्कर सब जगह एक समान दृष्टिकोण के साथ विकास हुआ है। मैं एक बार ये सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह और आह्वान करूंगा क्योंकि आप सबके बिना मैं अधूरा हूं। जो हमारे पास 10 दिन शेष रह गए हैं हर कार्यकर्ता इस चुनाव की महत्वता समझे। यहां पर हमारे भूषण मास्टर जी जिनका संबंध हमारे क्षेत्र के साथ है और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता पूरक से है, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जो हमारी प्रथम बैठक जिसमें भाई हर्षवर्धन जी भी आए थे, संजय दत्त जी भी आए थे, जो गुमा में हुई वहां से ये अभियान प्रारंभ हुआ था जुलाई के महीने में, मैंने यही आग्रह किया था सभी कार्यकर्ताओं से कि हम सबका चुनाव है, हर कार्यकर्ता का चुनाव है। और इसमें हमें मैं समझता हूं सफलता तब प्राप्त होती जब सब अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, तभी आपकी सफलता फलीभूत होती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है और जिस तरह से हर जगह जाकर देख रहा हूं, पिछले कल नावर था और पिछले कल से मेरा
कोटखाई क्षेत्र का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हर जगह लोग इन बातों को समझ रहे हैं कि किस पार्टी ने किसके कार्यकाल में हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। अब जो दूसरे दल की बातें हैं वो तो मैं समझता हूं उनका आपस में ही काफी विरोधाभास चला है, उसमें हमने नहीं पढ़ना, हमने अपना कर्म करना है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं इसमें निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की हमारे इस प्रबुद्ध जुब्बलनावर कोटखाई से होगी। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, जैसे मैंने पहले कहा, अपने इन 7-8 दिनों का 10 दिनों का पूरा सदुपयोग करें और एक एक घर जाए, कम से कम 2 मर्तबा जाए और ये सुनिश्चित करे कि हमारा जो मतदाता है वो मतदान केंद्र तक जाए। अगर एक वोट भी पीछे रहता है तो वो 2 की त्रुटि होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। और वैसे भी अगर हम जयपीढ़ी माता पंचायत की बात करें, ये समस्त जिसमें पुराना जुब्बल भी है, क्यारी भी है, हमारा चुनताड़ा भी है, रामप्री भी है, सुंगली नैनार, सभी जो हमारे पार लबड़ोट है, सारा जितना क्षेत्र में अपना इन सभी गांव को अपने मामों की पंचायत मानता हूं, आप लोग का आशीर्वाद मिलना चाहिए, आप लोग का आशीष मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और विशेष रूप से मेरी मातृशक्ति, क्योंकि जहाँ माता और बहनों का आशीर्वाद होता है वहां सफलता मिलती, वहां जीत मिलती है। और माताएं वही आशीर्वाद देती जहां सच्चाई होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन के आशीर्वाद से एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अभी आपने हमारे लोकप्रिय नेता रोहित ठाकुर जी के विचार सुने। अब मैं आमंत्रित करना